जनपद संभल की चंदौसी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एएम वर्ल्ड स्कूल के बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर देश का झंडा बनाया। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम मची हुई है। इस मौके पर हर कोई अपने देश के लिए कुछ न कुछ करने का जज्बा अपने दिल में रखता है। इसी सोच के साथ एएम वर्ल्ड स्कूल के प्रबंधक अनूप मंगलम ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ नया करने के विषय में सोचा और अपने स्कूल के बच्चों के माध्यम से मानव श्रृंखला के द्वारा देश की शान तिरंगा और जय हिंद जय भारत की आकृति भी निर्मित करवाई। जब भारत का नक्शा बच्चों ने बनाया है तो उन्हें कहीं ना कहीं एक अखंड भारत की तस्वीर दिखाई दे रही है और बच्चों में देश के प्रति अपनी भावना जुड़ती है। तो जो भारत का नक्शा बना के हमने यही एक संदेश दिया है अपने बच्चों को और उन्हें ये समझाने की कोशिश की है, ये पूरा देश तुम्हारा है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। जैसे भारतीय सैनिक इस टाइम सारे बॉर्डर संभाल रहे हैं, ऐसे ही आपको बॉर्डर पर खड़े होकर या देश के अंदर रहकर अपने देश की सुरक्षा करनी है। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप छात्रों को? छात्रों को बस यही संदेश देना चाहेंगे, देशभक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए, पूरे देश के लिए उन्हें समर्पण भाव रखना है, अपनी भी तरक्की करनी है और देश की भी तरक्की। ऐसा था, पिछले वर्ष मैंने बच्चों की राखी बनवाई थी क्योंकि रक्षाबंधन का दिवस था, तो इस वर्ष भी मैं चाहता था कि कोई ना कोई चीज़ बने। तो 15 अगस्त का मौका था तो मुझे लगा कि मुझे अपने भारत देश का नक्शा बनाना चाहिए। फिर मैंने इसका ऑटो कैड में पूरा प्लानिंग की कि कैसे कैसे फील्ड में बच्चे खड़े होंगे, कैसे उनका फिल्मांकन होगा और कैसे कम से कम बच्चों को असुविधा दिए ये मैप बनाया जाए। तो जो भारत का मैप बच्चों ने बनाया है उसकी उन्होंने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की है, सीधे मौके पर आए हैं और उन्होंने बनाया है। टोटल आधे घंटे में बच्चे भारत का मैप बनाकर जय हिंद और जय भारत लिखकर वापस अपनी क्लास में चले गए थे। तो ऑटो कैड पर बनाने के बाद हमने फील्ड में गुलमेक लगाई चारों तरफ, उस पर एक प्लास्टिक की रस्सी बांधी, फिर हमने एक फॉर्मेशन को तैयार किया कि इंडिया की फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट बने, क्योंकि बच्चों के माइंड में बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर वो इंडिया के मैप में थोड़ा सा भी अंतर रहता तो बच्चों के माइंड में भी वही मैप रहता। जय हिंद और जय भारत के समय हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई थी क्योंकि बच्चों के लिए ज़रूरी था, उन्होंने मूवमेंट करना था। बाकी जो इंडिया का मैप बना है उसमें एक भी प्रैक्टिस हमारे बच्चों की नहीं हुई है।